स्वर्गीय हाजी उस्मान शेठ मिर्चीवाले यांच्या अचानकपणे जाण्याने काँग्रेस पक्षाची फार मोठी हानी झाली आहे, अशा भावना भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे महासचिव तथा माजी खासदार मुकुल वासनिक यांनी बुलढाण्यातील देऊळगाव राजा येथे बोलताना व्यक्त केलंय। श्री बालाजी महाराजांच्या पुण्यनगरीतील प्रतिष्ठित उद्योगपती ज्येष्ठ नेते हजी मोहम्मद उस्मान शेठ मिर्चीवाले यांचं 15 जुलै रोजी हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्यानं निधन झालं। संपूर्ण महाराष्ट्रात तसेच मातृतीर्थ मतदार संघात जनता सेवा हे नाव परिचित आहे। जनता सेवा हे नाव समोर येताच स्वर्गीय हाजी मोहम्मद उस्मान शेठ मिर्चीवाले यांचं नाव अभिमानानं घेतलं जातं। राजकीय क्षेत्रात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे ते ज्येष्ठ नेते होते। त्यांच्या आठवणींना उजाळा तसेच परिवाराशी घनिष्ठ संबंध या ऋणाबंधनात अडकलेले भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे महासचिव तथा माजी खासदार मुकुल वासनिक यांनी आपल्या बहुमूल्य वेळेतून वेळ काढून स्वर्गीय हाजी मोहम्मद उस्मान शेठ मिर्चीवाले यांच्या कुटुंबाला भेट दिली। यावेळी त्यांना गहिवरून आलं। मिर्चीवाले यांच्या वाटचालीवर आणि संस्काराने आजही त्यांचं संपूर्ण कुटुंब चालत आलंय। त्यांच्या अचानकपणे जाण्याने मोठा आघात झालाय। त्यांची पोकळी सदैव जाणवत राहील। ते कधीही भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष विसरू शकणार नाही। त्यांच्या पश्चात आम्ही संपूर्ण परिवारासोबत कायम राहणार असं वासनिक यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं। या प्रसंगी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तसेच सर्व पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। आज यहाँ पर देऊळगाव राजा में खास करके हाजी उस्मान शेठ के परिवार के सभी साथियों से मिलने के लिए यहाँ पर आया। हाजी सेठ हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जिस तरह का काम समाज के उत्थान के लिए किया वो कभी भी उसको भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने हमेशा अपनी ओर से उन सभी लोगों को मदद करने की कोशिश की जिनको मदद की आवश्यकता रही। राजनीति के तौर पर कभी भी उनकी खुद के बारे में महत्वाकांक्षा नहीं रहती थी, लेकिन उनकी कोशिश रहती थी कि हमेशा कांग्रेस मजबूत रहे, इस इलाके में कांग्रेस की ताकत बढ़े, और हमेशा उनका प्रयास रहता था कि समाज में सद्भाव बना रहे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके आदर्श, उनके किए हुए काम आने वाले समय में हमको रास्ता दिखाते रहेंगे, यही हमको उम्मीद है। प्रतिनिधि अशरफ पटेल, एनटीवी न्यूज मराठी, देऊळगाव राजा, बुलढाणा।